नमस्कार दोस्तों, आज आप मैं इमार मसूरी विकास एजेंसी के डिजाइन चैनल से। दोस्तों अभी जो पूरा सिस्टम चल रहा है, अभी आपने पिछले एपिसोड जो देखे उसमें भी यही बात की है, और जो वास्तविक मेन मुद्दा है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ में हमारे गुरु श्री कमलेश पांडे जी है, जिसके विषय में आप पिछले कई एपिसोड देख चुके हैं। और आज हम सर से ऐसी बात पूछने वाले हैं जो निश्चित रूप से हम सभी के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोग सब दोस्तों देख रहे हो कि पूरा सिस्टम व्यवसाय की ओर, बिजनेस की ओर, नौकरी की ओर इस तरीके से चाहता है जो लोग हैं वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इसमें लोग बहुत चाह रहे हैं, ऐसी मनसा कर रहे हैं उसी संबंध में कि हम लोग जो नागरिक हैं उसको कैसे शिक्षित होके और इस प्रावधान पहुँचे कि रोजगार कर सकें, नौकरी पा सकें और अपने परिवार के लिए एक मिसाल बन सके, अपने परिवार के लिए धन अर्जित करके उनकी उनको सेवाएं दे सके। तो सर्वप्रथम सर आपका स्वागत है बहुत बहुत दिव्यांग चैनल में। धन्यवाद दिव्यांग चैनल को और इसके सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो अभी सर जो मेरा ये सवाल है, और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया और बहुत लोगों का फ़ोन भी आया जो आपका एक एपिसोड आया था, कि ये बेरोजगारी सर क्या है, इसे कुछ लोग मतलब कहने में कोढ़ मान रहे हैं, बेरोजगारी को एक दर्द मान रहे हैं, एक बीमारी मान रहे हैं, तो ये सर बीमारी, ये बेरोजगारी है क्या सर? बेरोजगारी सब बड़ा व्यापक शब्द है और उसको खाली आदमियों के संबंध में ही नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो भी हमारे जो अर्थव्यवस्था के जितने भी संसाधन हैं उनका जब पूरा सदुपयोग नहीं होता है, जो खाली रह जाते हैं उसको बेरोजगारी कहते हैं। तो आवश्यकता कम है और उपलब्धता ज़्यादा होती है जिस चीज़ की, तो वो बेरोजगार हो जाती है। तो मुख्यतः हमारे देश में क्योंकि उसका बेरोजगारी का मानव संसाधन से ही तात्पर्य है, तो हमारे जो भी जनसंख्या वृद्धि हुई और उचित अनुपात से औद्योगिक विकास नहीं हुआ, व्यावसायिक विकास नहीं हुआ, तो उन लोगों को पूरा रोजगारी या रोजगार नहीं मिल पाया। तो जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है वो बेरोजगार कहलाते हैं। लेकिन बेरोजगार रहने के कारण और भी है, केवल ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं है या अवसर नहीं है, अवसर है लेकिन अवसर के अनुकूल हमारी योग्यता नहीं है या हमारी इच्छा नहीं है, हमारी आवश्यकताएं दूसरी तरह की हैं और इच्छा हमारी दूसरी तरह की है। तो बहुत सारी जगहों पर जहाँ जगहों की आवश्यकता है वहाँ पर आदमी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, और बहुत और उपयुक्त लोग उन संसाधनों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये है मुख्य बेरोजगारी का धंधा। तो हम लोग उसके दूसरे क्या है, हमारे देश में रोजगारी का मतलब केवल नौकरी समझा गया जी। सबसे बड़ी समस्या ये रोजगार का मतलब नौकरी नहीं जी। रोजगार का मतलब है कि हम कहीं पर अपनी रोजी रोटी चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, व्यस्त हैं कि नहीं व्यस्त हैं, किस दिन खाली हैं तो बेरोजगारी है। जैसे अपना देश में मनरेगा आई, तो उसमें क्या है केवल 100 दिन की रोजगार के अवसर की गारंटी है, तो बाकी 265 दिन तो वो भी बेरोजगार है। तो ये बेरोजगारी के विभिन्न स्वरूप हैं, उनका हमें करने की कवर करने की आवश्यकता है। और इनके लिए जो केवल साधन यह है कि हम जब तक या तो नौकरी पर पा जाते हैं तो अच्छी बात है, पूरे 365 दिन का हमारे पास काम, नहीं तो हमें स्वयं का अपना एक ऐसा स्वरोजगार करना पड़ेगा जिसके लिए कि हम व्यस्त रह सकें। स्वरोजगार पर ध्यान नहीं है या कम ध्यान है लोगों का या अभिरुचि नहीं है, इसलिए हम बेरोजगार बने रहते हैं और नौकरी तलाश में समय खराब करते हैं। तो स्वरोजगारी अगर जब बन जाएंगे तो अपने आप जो है रोजगार बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, और उस स्वरोजगार के द्वारा हम अपने देश की और समाज की और दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं। दूसरे क्या है, स्वरोजगारी व्यक्ति में एक और गुण होता है कि अपना तो पेट और परिवार पालता ही है, जब उसका व्यवसाय बढ़ता है, जब उसका उद्यम बढ़ता है तो अन्य लोगों को भी रोजगार देता है, यानी कि वो खुद को भी रोजगार में गया और दूसरों को रोजगार दिया। तो ये बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने का सबसे आसान तरीका है स्वरोजगार। हम दूसरों पर निर्भर न रहें, हम सरकार पर निर्भर न रहें, कोई हमारे लिए कभी कुछ नहीं करने वाला है, हम अपना जागृत हों। तो जब तक हम अपना कार्य करने को उद्यत नहीं होंगे या हमारे अधिकांश युवा उद्यत नहीं होंगे, तब तक ये बेरोजगारी का हुआ हमारे पास खड़ा रहे। तो जैसे कि सर ने बताया कि बेरोजगारी किस तरीके से है, कि मतलब संख्या ज़्यादा है और व्यवसाय कम है,
दूसरे पहलू में क्या सर ने बताया कि जहाँ पे व्यवसाय है वहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, और जहाँ व्यवसाय नहीं है वहाँ हम लोग भारी संख्या में मौजूद हैं, यही कहने का मतलब हुआ। इसके साथ में अगर जो जैसे स्वरोजगार है तो कौन कौन से अवसर हैं या कौन कौन सी एज है जिसपे हम मतलब अपना काम या नौकरी पा सकते हैं? बहुत सही सवाल किया आपने, और अवसरों की बात यह है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश रहा जी, हमारी अधिकांश जनसंख्या कृषि में लगी रही, लेकिन और उसमें शिक्षा थी और सब लगे ही रहते थे, लेकिन शिक्षा के साथ में और जो शिक्षा आई उसमें मैं कहूँगा अवश्य रूप से कहीं पर कमी थी, जिसने कि शिक्षा का मतलब नौकरी ही समझा है, उसमें जो हमारे जो है पैतृक व्यवसाय जो थे उनके प्रति रुचि खत्म हुई। किसान का लड़का किसानी नहीं करना चाहता, पढ़ाई का लड़का पढ़ाईगिरी नहीं करना चाहता, नाई का लड़का नाईगिरी नहीं करना चाहता, और मोची का लड़का तो जूता बिल्कुल नहीं सिलना चाहता। बिल्कुल सर, यानी कि हमारे पास उपलब्ध जो मैंने गिनाए हैं ये सब रोजगार के अवसर हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, उसमें हमारी हीन भावना। आज विश्व के बहुत सारे देशों में कृषि में बहुत ज़्यादा उन्नत भी की है, हमारे देश में उन्नत की है, और वहाँ पर रोजगार के अवसर हैं, रोजगार के अवसर यहाँ पर भी। आज हमारा बहुत सा किसान साथी मजदूरों की नौकरों की कमी की वजह से अपना ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और उसको मशीनों का सहारा लेना पड़ा जी। यानी कि जो काम जो रोजगार आदमी को मिलना चाहिए था वो मशीन को मिला, अब हमारे और मशीन काम करती है, एक आदमी 10 आदमियों का काम या 100 आदमियों का काम, यानी कि 10 और 100 आदमी बेरोजगार। तो अभी तक जैसे वो चल रहा था तो अब क्यों नहीं चल सकता? रही बात कौशल की, तो कौशल हम अपना किसानी में भी दिखा सकते हैं जी। मान लिया मोची का देख सकते हैं, तो मोची का मतलब ये नहीं कि साहब जूता बनाएगा, वो अच्छे जूते बना सकता है। इस जूते की कंपनी में बहुत बड़ी कंपनियां आ गई, बाटा और रेबॉक और जाने कितनी कितनी, वो तो हमारे किसी आदमी के ही कौशल का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम अपने काम में नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ जा करके उन बड़ी कंपनी में नौकरी तो कर लेंगे, खुद का नहीं कर रहे हैं, खुद का नहीं कर रहे। तो हम जबकि हम जब वो कमा सकते हैं, जब वो उन्नति कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमको अपनी उद्यमिता का जो बोध था वो ख़त्म हो गया, हमको उसमें हीन भावना आ गई है कि हम ये कैसे करेंगे, ये काम छोटा है, जब उसी काम को करने वाले बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना ली, किसानों ने बहुत सारे किसान जो थे एक बीघे से चालू करके 10 एकड़ पर पहुँच गए। तो हम उसको कोई भी काम बिना हीन भावना के जो भी उपलब्ध है उसको करें, अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उन्नति करें, तो हम कहीं भी पहुँच सकते हैं, लेकिन हीन भावना का हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, इसलिए हम उसमें फेल होते हैं। और अधिकांश जब जहाँ पर कोई फेल होने लगता है वो पूरा का पूरा व्यवसाय ही बदनाम हो जाता है। अब कृषि बदनाम हो गई है कि साहब वहाँ फ़ायदा नहीं है, किसान भी खेती बेच करके जा रहा है, लेकिन कारण उसके दूसरे हैं। इस वजह से हम अपने अवसरों को पहचानें और उनके प्रति बिना किसी हीन भावना के उसमें लगें, हमारी उन्नति निश्चित है, हमारा रोजगार सुनिश्चित है, कभी कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा सर ने बताया किस तरीके से मतलब हम कहाँ कमियाँ पाई जाती हैं, कि जैसे सर ने बताया मोची का लड़का नहीं करना चाहता, कदापि नहीं करना चाहता कि मैं वही जूता चप्पल का काम करूँ, बहुत छोटा काम है, और जो किसान का बेटा कहता मैं किसानी नहीं करूँगा, मैं अधिकारी बनूँगा, नौकरी करूँगा, अधिकारी कहने का नहीं मतलब है नौकरी करूँगा, सेक्टर भले वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट, अधिकांश कोशिश 95% यही लोगों का रहता है कि सरकारी महकमे में हम अधिकारी बन जाए, कर्मचारी बन जाए। वास्तविक बात यह है कि दोनों चीज़ें सरकारी और प्राइवेट दोनों में नौकरी मिलना बड़ा टिपिकल है, क्यों? उसके लिए इंटरेस्टेड लोग ज़्यादा हैं, उसकी बेरोजगारी जब संख्या ज़्यादा है तो 100 जगहों के लिए 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं, या आप भी जानते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन और ये इसकी उपज कहाँ से होती, ये बेरोजगार उगते कहाँ से हैं, ये आते कहाँ से हैं? मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जो आपको सीधे सीधे समझ में आए, कोई प्रोफेशनल नहीं बात करना चाहता। अगर हम किसान के बेटे हैं और किसानी को ही अपनी जो धरोहर है, पिताजी ने 100 बीघा 50 बीघा जो भी थी मेरी हिस्से में पिताजी को बाबा को उसको ही आगे चला के और उससे ही आगे बढ़ें, ऐसी तमाम सी योजनाएं हैं, फूल की योजनाएं हैं, तमाम सी ऐसी योजनाएं जो सरकार भी मदद करती है उनको यूरिया देने में, उनको बीज देने में, तो हम अपने काम को
जो हमारा पुश्तैनी काम चलाता है, चाहे तेल पिलाई का हो, चक्की चलाने का हो या मोटर लाइन का हो, वो काम पसंद नहीं करते हैं। पसंद बस ये करते हैं कि हम कैसे भी नौकरी पा जाए और किसी के हिंदी कह सकते हैं बंधुआ मजदूर बन जाए, लेकिन उसी में स्मार्टनेस समझते हैं अपनी। तो ये सर का जो कहने का मतलब था सिर्फ यही था कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम लोग कहाँ पे हैं और कहाँ पे होना चाहिए और हम क्या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, ये है। और अगला सवाल मैं आपसे चाहूँगा कि उद्यमिता क्या है, ये पूरे देश में बड़ी चर्चा है इस पर, तो बताने की कोशिश करें। बहुत सही सवाल किया। इसके पहले अभी आपने संकेत किया था कि हम अपना दूसरे का काम करना चाहते हैं और मधुआ मजदूर बनना चाहते हैं। हमारी शिक्षा भी, जो मैं अभी संकेत कर रहा था कि शिक्षा व्यवस्था ने हमें क्या किया कि हमें मालिक होने का भाव खत्म कर दिया, हमें नौकर बनने के लिए प्रेरित कर दिया। हमारे यहाँ एक ग्राहक हुए हैं, कथाने की कहावत है उनकी बड़ी प्रचलित है, तो उन्होंने कहा था कि उद्यम उत्तम खेती मध्यम मान निषिद्ध चाकरी भीख निदान। तो किसी ज़माने में कृषि को उन्होंने उत्तम कहा था, चाकरी को मध्यम कहा था और भीख को निम्न कहा था। भीख तो निश्चित रूप से शब्द निकृष्ट है, उसकी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन नौकरी को अच्छा नहीं कहा था। आज हम नौकरी को अच्छा कह रहे हैं। तो जब हम और इस नौकरी में कोई मानेगा ही कि नौकर नौकर होता है, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो वो भी किसी का नौकर है। तो नौकरी में हीन भाव होना चाहिए, जहाँ हीन भाव होना चाहिए वहाँ पर गौरव भाव ला रहे हैं। जबकि हम अपना काम करेंगे उसमें हम मालिक बन सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारे दर्शक सहमत होंगे कि मालिक बनने के भाव से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और मालिक बन करके आप अपना जो प्रयास करेंगे उसमें उन्नति की कोई सीमाएं नहीं है। नौकरी में चाहे जितना अच्छा करो उसकी सीमा है, तनख्वाह आगे बढ़ने की एक सीमा है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यही है उद्यम। उद्यम क्या है कि हम अपना काम करें, अपनी रुचि के अनुसार काम करें, अपने क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से काम करें। जैसे जहाँ पर चरागाह ज़्यादा है वहाँ पशुपालन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर चरागाह ज़्यादा नहीं है, जगह महंगी है, वहाँ पर हम कुछ जो है अन्य सेवा काम कर सकते हैं, है ना, डेयरी लगा सकते हैं। कोई अभी आपने जिक्र किया था कि तेल की मशीन, आटे की मशीन लगा सकते हैं, जूते का ही काम ले लें, जूते का अपना कर सकते हैं। हर जगह पर उपलब्ध है, सभी के बड़ी बड़ी नई एडवांस्ड मशीनें आ गई हैं और बड़ी ज़्यादा महंगी है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उद्यम लगा करके हम मालिक का भाव पैदा करें, न कि नौकर बने रहने का करें। और उसमें मैंने अभी पहले भी कहा था, उद्यम लेकर के हम मालिक बनेंगे, और जिसको नौकर बनने वाले मान लिया बहुत सारे हैं तो उनको नौकर रख लें अपने पास, यानी खुद नौकर बन करके लोगों को नौकर रखें। और कहने के बाद जरूर नकारात्मक लग रही है, लेकिन हमारा मतलब है कि हम अपना परिवार पालेंगे, हमारा और 10 घरों को और पालेंगे, तो वो उसमें जो भाव आपको गौरव का भाव लगेगा कि हमारी वजह से 10 अन्य घरों के चूल्हे जल रहे हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और यही है उद्यमिता। सफल उद्यमिता के मैं अपना बिना पूछे आपको बता दूँ, उसके लिए है कि हमको शोध करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो हम काम चुन रहे हैं उसके स्कोप कितना। अगर हमारे कोई छोटे से स्तर काम करते रहे उसी में बने रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, हमारी बात का कोई मतलब नहीं होगा। तो हम अपने देखें कि कौन से साधन उपलब्ध हैं और उन संसाधनों को परिवर्तित करके हम कौन से व्यवसाय कर सकते हैं, उसकी मांग कितनी है, कम से कम लागत में बना करके और अधिक 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 से अधिक लाभ अर्जित करें। और हम ऐसे उद्यम चुने जैसे मान लिया कोई जिसमें लेबर ज़्यादा लगता है, ईंट भट्ठे का है, तो ईंट भट्ठा मान लिया लगाएंगे तो देखें क्या लेबर उपलब्ध है। खेती में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें लेबर कम लगता है, बहुतों में ज़्यादा लगता है। जहाँ लेबर ज़्यादा लगता है और ले तो ज़्यादा उपलब्ध हो वहाँ पर लेबर वाला काम कर सकते हैं, और नहीं तो कम लेबर वाले काम कर सकते हैं। तो हम अपने उद्यम का चुनाव करें। और सबसे अच्छा मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति किसी न किसी ऐसे समाज से जुड़ा है जिसका कोई न कोई पैतृक आधार है। तो अगर पैतृक काम करते हैं तो उसको करने में, सीखने में, उपलब्धता में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उसको हम आगे बढ़ा लें। और इससे हमारा समाज भी जुड़ा रहेगा और हमारे यहाँ जो देश के ऊपर बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है वो नहीं लगा हुआ। जैसे मैं उदाहरण दूँ, बहुत सबसे गरीब एक भुर्जी प्रजाति पाई जाती है, अपनी जाति पाई जाती है। आप ताज्जुब करेंगे, सभी लोग ताज्जुब करेंगे, विश्वास भी करेंगे कि उनके यहाँ बेरोजगारी कोई
मुद्दा ही नहीं, नहीं मुद्दा है, बिल्कुल बिल्कुल जीती जाती मिसाल है। ये मैं सकारात्मक रूप से कहना चाहता हूँ, कहीं पर कोई व्यंग्य नहीं है गए कि उनका परिवार भी छोटा नहीं होता। मैंने ये इसलिए कहा है, वो लोग कहते कि आबादी बहुत बढ़ रही है, अरे आबादी बढ़ना और घटना एक बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं, मुद्दा तब बनती है, आबादी समस्या तब बनती है जब उसको अवसर नहीं हो, अवसर या वो लोग काम से नहीं होते। उनके यहाँ जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी लोग, सब लोग पूरा परिवार जुट करके करते हैं, महिलाएं भी बहुत सही आपने कहा। और हमारे जो है सिख भाई, वो अपना जो है परिवार अपना सीमित रखते हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार उसमें लगता है, ये उनमें सफल रहते हैं। कठिन से कठिन काम उनके यहाँ बुजुर्ग लोगों का, आप भाड़ा दीजिए, गर्मी का भी काम लेते हैं, तो उनको क्या है, ना मेहनत से डर है, ना सुविधा की चाहत है, उनका ये की है कि हमें शाम को पैसे कमाना है। और मैं जो बैंक में रहा हूँ, मेरे यहाँ पर डिपॉजिटर हैं, इस तबके के बड़े गरीब लोग अच्छे पैसे वाले हैं, फल बेच लेंगे, वो मौसम के अनुसार अपना व्यवसाय बदल देते हैं, वो चिपके भी नहीं है, वो सीजन में, हर सीजन में अलग व्यवसाय करते हैं, कभी सिंघाड़ा बेच रहे हैं, कोई मूंगफली बेच रहे हैं, कभी बर्फ कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, कभी शिकंजी लगा रहे हैं, बहुत सर, ये मैं उनके लिए अनुकरणीय उनको मानता हूँ, उनसे मैं सीखना चाहिए। वो लोग, उनका एक ही लक्ष्य है, कभी बेरोजगार नहीं रहना, उन्हें का लक्ष्य है कि हमारा परिवार सुखी रहे, उनका परिवार है लक्ष्य है कि हमारे पास पैसा, बिल्कुल पैसा आना चाहिए, धन की प्राप्ति होना चाहिए। और दुनिया, पहले भी एक एपिसोड में मैंने बात कही थी कि हमको जो है काम में शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि जिस दिन हम खाली बैठते हैं, शर्म आनी चाहिए जिस दिन हम चोरी मकारी की बात करते हैं, दूसरे का हक मारने की बात करते हैं, अपना कमाने के लिए हमेशा ने कोई भी काम करना हो, जैसे अभी हमने कहा कि मोची का था, उस लोगों ने भड़का करके उनके काम को तिरस्कार कर दिया। नाई लोगों के, अब कोई भी नाई बिरादरी का व्यक्ति अपनी भी दाढ़ी नहीं बनाता, क्यों, कुछ लोगों ने उसको तिरस्कार किया और हमने मान लिया। अरे हम लोगों को चाहिए कि हम अपने काम में इतना कौशल, इतना वो लावें कि उसी में गौरव हो, और लोग ढूंढ करके आवें कि नहीं, हमें तो वहीं दाढ़ी बनवानी है, हमें तो वहीं जूते बनवाने हैं, हमें तो वहीं पर चाय पीनी है। जैसे चाय वाला, बहुत सारे लोगों की चाय मशहूर हो जाती है, बहुतों की नहीं बिकती है, बहुतों के, तो उद्यमिता में जो कौशल विकसित करना है, गौरव भाव का, कि हमको कल से आज ज्यादा अच्छी चाय पिलानी है, कल से बेहतर करना है। क्योंकि हम कल से बेहतर करने का संकल्प लेके चलते हैं तो कोई भी काम खराब नहीं रहता है, और उन्नति की ऊंचाइयों को हमें ले जाने में सरलता सक्षम रहता है। तो आज दोस्तों समय काफी कीमती है, और आज का समय हो चुका है, और सर क्योंकि आज संडे है, संडे में एपिसोड रिलीज हो रहा है, तो ये बकरीद का माहौल चल रहा है, बकरीद की खुशी है, तो इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे आपस में मिलने का? बहुत सही सवाल है, मुझे पहले ही सभी को बधाई देनी चाहिए, लेकिन विस्मृत रह गया हमने विषय पर ही अंकित है, कल की जो है कुर्बानी का पर्व जो है बकरीद, सभी को मुबारक हो, और हम लोग हर समय अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी का मतलब हम अल्लाह मियाँ से कुछ अपने लिए मांग करके कुर्बानी न दें, जबकि समाज में शायद ऐसा हो गया है, जी जी। हमारे यहाँ कोई भी जो मान्यता होती है, चाहे भगवान के या खुदा के, कि या अल्लाह मुझे ये दे देना तो मैं ये कुर्बानी करूँगा, अरे ये नहीं साहब, आपको कुर्बानी करनी है अपनी बुरी आदतों की, कुर्बानी करनी है अपनी आराम फरोशी की, कुर्बानी करनी है कि किसी की बुराई नहीं करनी है, उसकी कुर्बानी करनी, तो ये जब हम अपना अपनी बुरी आदतों की कुर्बानी करके आगे बढ़ें, खुदा के बताए हुए, अल्लाह मियाँ के बताए हुए रास्ते पर चलें, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें, तो ये कुर्बानी सफल होगी, और अल्लाह मियाँ हमारी ज़रूर मदद करेंगे, और हम लोग उद्यमी बने, खाली न रहें। मैं इसी में कहूँ कुर्बानी ये भी है कि हम अपने हिस्से की कमाई की थोड़ी कुर्बानी, चूँकि बहुत सारे लोग सक्षम नहीं हैं, अधिकतर तो कभी कभार कोई शरीर से अक्षम है, उनके लिए जरूर करें, लेकिन बहुत सारे लोग इतने सफल नहीं है, सब कुछ सकलांग होते भी नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, हम कमा रहे हैं तो उनके भी करने का मौका रखें। तो हमें, मैं सोचता हूँ बकरीद का इससे अच्छा संदेश मैं नहीं दे सकता, हम करेंगे तभी कुछ होगा, भगवान भी हमारी तभी मदद करता है जब हम खुद अपनी मदद करते हैं, यही उद्यमिता है, और यही हमारी ईश्वर की।
दोस्तों आज का बहुत ही एपिसोड बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि सर ने बकरीद के बारे में बताया कि जो कुर्बानी बकरे की, भेड़ की, जो भी गुम्बा बोलते हैं, जो भी कुर्बानी होती है वो तो खैर अल्लाह ताला जैसे सबकी कबूल फरमाए, लेकिन इसके साथ में जो मेन अर्थ निकल के आता है, सर ने जो बताया कि हम अपने अंदर ख़राब आदतों की कुर्बानी करें, हम गलत शब्दों की कुर्बानी करें, हम मतलब कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि उस पर छुरी चला देना, कुर्बानी मतलब इसको त्याग दें, क्योंकि जो चीज़ चली जाती है, कुर्बान हो जाती है, वो दोबारा जुड़ती नहीं है। तो उसको बुरी आदतों को त्याग दें, झूठ बोलना त्याग दें और संघर्ष के साथ में आगे बढ़ें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों को इस एपिसोड में जो भी समझ में आया हो वो लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसमें कमेंट करें। आपके कमेंट आते हैं तो दिव्यानंद चैनल को हम लोग को अच्छा लगता है। तब तक के लिए, अगले संडे के लिए, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद।